Success. Yes. Yes. Sass, कॉमेडी में इनकी शान नहीं है। आज तो हमने सच में लग रहे हैं। काला है, लाइट बंद कर। पूरा भाई ले ले। वन टू थ्री। बीच में चेयर पीछे कर दीजिएगा। लाइट बंद करो ना। बीच में सर सामने देखिए। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। आजा बैठ कर। रोल जितेंद्र सर, सबसे पहले तो मोरक बात करना आपको। फिल्म के लिए क्यूरदा का पोस्टर लॉन्च किया आपने, जानना चाहूंगा क्या विषय है और क्या प्रेरित किया आपको इस फिल्म में? आप विषय क्या है सर और क्या कहना चाहेंगे फिल्म जानने क्या प्रेरणा दी आपने? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सिनेमा तो फर्स्ट एक मनोरंजन का साधन है। देन हम कोई भी कंटेंट उठाते हैं वो समाज की ही एक कड़ी होती है, और मनोरंजन के साथ साथ जो हम एक रिजल्ट देते हैं वो बहुत सारा समाज के सबसे ज़्यादा प्रभावित भी सिनेमा करता है। तो ये मेरा जो कंसेप्ट है, काफ़ी टाइम मैंने उत्तर प्रदेश की मेरी बाय लैंग्वेज है, तो उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा करने के बाद मैंने कुछ पाया। तो ये जो स्टोरी है, मेरी कंसेप्ट है, वो एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि मुझे ये मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहिए। मनोरंजन के साथ एक संदेश देने का भी हमारा उद्देश्य है कि ये सिर्फ एक सिनेमा एक इंटरटेनमेंट तक नहीं सीमित होती है, प्रभावित भी करती है। हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव मैं भी डाल सकूं, यही मेरा मेन मोटो है इस फिल्म से। देखिए, मूवी तो नाना प्रकार की बनती है, हर डायरेक्टर अपने थॉट्स लाते हैं, उसको एज ए कंसेप्ट उसको प्रेजेंट भी करते हैं। इसमें खास बात यह है कि मेरा पहले भी बता दिया कि ये मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस फिल्म से मेरा एक ही मोटो है कि मनोरंजन के साथ लोगों को डेमोक्रेसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी जनता द्वारा और जनता के लिए लोग अच्छे से कंटेंट लाते हैं, अपने तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिल्माते हैं, पिक्चराइज करके थिएटरों में रिलीज करते हैं। देन मुझे लगता है कि थोड़ा उससे भी बेहतर करनी चाहिए, वाकई में ये लोगों तक पहुँचे,
कि मनोरंजन करने के साथ रिलाइज हो कि नहीं, हमें ऐसा होना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए। पहले तो हमने इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें कुछ दिखा, हमें लगा करना चाहिए और जितेंद्र सर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कहानी में कुछ हमने पाया, कुछ मुझे दिखा, मैं कर रहा हूँ। देखिए उनका विषय है ये जाति धर्म को लेकर है। एग्जैक्टली क्या हाँ, आई नो विवाद तो बहुत सारे ऐसे कड़ी है जो विवादित है, हो सकता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें, शायद कुछ पॉलिटिकल लोग ऑब्जेक्शन करें, बट ये डेमोक्रेसी है। हमें हर एक चीज, सिनेमा अगर हम करते हैं तो हम आज़ाद हैं, हमें सिनेमा भी वही देनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी। देखिए हर किसी का एक अपना अपना थॉट होता है, तो मेरा मानना है कि मैं जो अभी करने जा रहा हूँ इस फिल्म से, तो डेमोक्रेसी में मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे जो लगेगा वो मैं करूँगा। सिर्फ एक सिनेमा, एक मेकर का दायित्व भी है कि वो अपने फिल्म से समाज की सेवा भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है वो कैसे, तो मुझे जो लगा वो मैंने किया। और बाइलिंगुअल फिल्म है तो इसलिए मैंने फाइंड आउट किया कि एक कैसे आर्टिस्ट जो उस क्षेत्र से और वाकई में डिजर्व करते हों कि नहीं इनको लेकर मुझे करना चाहिए, तो उनमें से एक हंस राजू जी मुझे मिले। देन मेरे बाइलिंग्वेज है तो इसलिए कुछ मेरे ऐसे कंटेंट हैं जिसमें श्री भरत शर्मा जी का योगदान मिला। आज हमारे उत्तर भारतीय क्षेत्र के दिग्गज पर्सनालिटी, इनको तो हर कोई जानता है, तो इन्होंने, इनके सामने मैंने जब सब्जेक्ट लिए रखा तो इन्होंने काम करने के लिए एग्री हो गए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सम्मान करते हैं आज भी उन सब चीज़ों के लिए। और मैं भी चाहूँगा कि ये फिल्म को पिक्चराइज करके दूँ ताकि समाज भी थोड़ा प्रभावित हो, लोग जातिवाद से, समुदाय, धर्म, इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपने आप को समझे, जाने और अपने अधिकारों का सही प्रवाहन करें। सर आपने जो आप विषय के बारे में और प्रयास किया है फिल्म को बनाने का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म के विषय में क्या कहना चाहेंगे और जो प्रयास किया हमने भोजपुरी में, इंग्लिश में, भोजपुरी भोजन भोजपुरी हिंदी में बोली चलते बोली भोजपुरी में ऐसा बात कि हम तो आज बढ़िए से हमने के करीब 35 वर्ष 40 वर्ष पहले के बात बताइए, पहले सुजीत कुमार जी के फिल्म बनते रही सर, अभी हमारा बगल में बैठे बनी कुणाल भाई, यहाँ तक तक ऐसा सफा सुथरा फिल्म बनत रही सर, जो लोग गांव से निकल करके औरत सब मेहरारू कनिया आ सब बैलगाड़ी में बैठ करके चार कोस पांच कोस शहर में जा सर सिनेमा देखे, तो वो घड़ी जो बड़ू है ना कोनो टीवी रहे ना कोनो एसी रहे कोनो साधन सिनेमा के जो छोड़ करके कोनो खिला रहे, आज जो बड़ू है जो फिल्म बन तरी से सारा फिल्म हम देखा तरी कि अच्छा लोग हॉल में लिखी जाते रिक्शा वाला ठेला वाला ट्रक ड्राइवर ये सब
हॉल में जाता रहे, अच्छा लोग हॉल में जाते लिखे, तो हॉल में अच्छा लोग भी जाए चाहिए ना, औरत हॉल में जा सर पढ़ल पढ़ल लिखल आदमी जाए, एजुकेटेड आदमी सब जाए, तब लगी जो नहीं सिनेमा बनकर के हमके बीच जाए। पहले के जब सिनेमा बनतली सब, वो फिर सिनेमा के आठों गीत सबके जुबान पर रहते रहे, एक एक लाइन आठों गीत सबके याद रहते रहे। अभी आज इतना फिल्म बनता महीना में 3-4 फिल्म आवत हई सर, एक मुखड़ा के होकर निकले याद रह, एगो यादव भैल तले फिर दूसर का बोल अथी करते। हम अपने कहब जी जौन भी फिल्म बने साफा सुथरा फिल्म बने, लोग देखे आ एगो संदेश जला समाज में गाना के माध्यम से पिक्चर के माध्यम से एगो जब दिखावल जाला तो उससे एगो संदेश जाला लोगन पर ओकरा ओकर असर पड़ेगा, ऐसे अच्छा बने के चाहिए हम ये कहो। देखिए अश्लीलता से अलग फिल्म बनाने के लिए भरत बाबू या मैं हम लोग बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन दर्शकों की मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसका आकर्षण उस चीज़ से ज़्यादा होता है जिस पर मना किया जाता है। और ऐसा नहीं कि अश्लीलता हिंदी फिल्मों में नहीं है, बाकी भी दूसरी भाषा की फिल्मों में है, हमारे यहाँ है, और हमें इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो हमारा संस्कार नहीं है, हम यूज्ड टू नहीं हैं उन चीज़ों को देखने के लिए या सोचने के लिए समझने के लिए, और इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। रही बात इस फिल्म की, तो जितेंद्र जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और इनके संघर्ष को भी मैं बहुत करीब से देखा है, नौजवान है, बहुत कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हर आदमी में हर गुण नहीं होता है, लेकिन इनकी जो सोच है, ये जो विजुलाइज करते हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और इसलिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और भरत जी हमारे भोजपुरी के शान और नौजवान कलाकार हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक अच्छी फिल्म देने के लिए। और देखिए सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है, मैं ये नहीं मानता कि जो लोग कहते हैं कि सिनेमा से समाज खराब हो गया, जो समाज में घटना घटित होती है उसको ही हम फिल्म वाले उठा के कथा का रूप देते हैं, वैसे चरित्र को लेते हैं और दर्शकों के बीच ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अच्छे का नतीजा क्या होगा, बुरे का नतीजा क्या होगा। तो समाज के बीच संदेश, मनोरंजन के साथ साथ संदेश देना हमारा कर्तव्य है, जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जाति धर्म को लेकर इतने सारे जो मुद्दे होते हैं, आप इतने साल से इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कभी ऐसा हुआ कि वो समुदाय की वजह से कुछ आपको बाधा आई है यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ बाधा है? देखिए अगर आप समाज, मैंने कहा ना कि जो समाज होता है वही सिनेमा होता है, अगर अभी जो चुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक देखिए तो कहाँ जातिवाद की बात नहीं हो रही है, जो हमारे देश चला रहे हैं जो लोग, जो अगले आने वाले 5 सालों के लिए हमारा भविष्य तय कर रहे हैं, जब वही जाति की बात करते हैं तो हमारा सिनेमा उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन उस संदेश के साथ साथ मैंने कहा पहले भी कि हमारा यह प्रयास है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बताना हमारा धर्म है और हम ये दिखाते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि कम से कम समाज में कई ऐसी घटनाएं हैं उससे हम फिल्म वाले कुछ ज़्यादा ऊपर सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। आज इन अखबारों में पढ़ता हूँ मैं 2-3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, ये इतना अमानवीय कृत्य है, कम से कम हम फिल्म वाले इसको पर्दे पे नहीं दिखाते। तो इतनी संवेदना हमारे अंदर है, प्लस हमारे समाज और रीति रिवाज में जो आजकल समाज बदल गया। देखिए हम लोग के यहाँ शादी होती थी तो बारात आने से पूरे गांव की महिलाएं या मोहल्ले की महिलाएं छत पर से देखने के लिए तैयार रहती कि दूल्हा कैसा है, फिर वो
उसके घर से क्या क्या आया है। आज महिलाएं हमारे बैंड में बारात में चलती हैं और हम अपने ही भाई की शादी में, बेटी की शादी में मेहमान की तरह दो दिन पहले जाते हैं, क्योंकि अब हॉल बुक कर लीजिए, कैटरिंग वाले को खाना खिला दिए। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि मौसा फूफा चाचा 7 दिन पहले से आगे बैठे हैं कि सब्जी कहाँ से खरीदा जाएगा और मिठाई कहाँ बनेगी। तो जो समाज बदलता है तो सिनेमा भी बदल जाता है, और हम लोग का प्रयास इस फिल्म में है कि जो हम हैं और जो हमारी आवश्यकताओं से हम जो बदल गए हैं, इसके बीच एक लिंक, एक कड़ी बना के रखें। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए बहुत जल्द कठिन आएगा, ट्रेलर भी आपके बीच आएंगे। कलाकार में जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो फिल्म है, कहा जाता है समाज से ही काल्पनिक दुनिया है, लेकिन समाज से ही कुछ चीज़ों को उठाया जाता है, जैसे पात्र हो गया, कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हम फिल्माते हैं तो हम में से ही कोई एक होता है, तो लोगों का एक अपना भी नज़रिया बोल देते हैं कि अरे वल्गर है, अच्छा नहीं है। लेकिन एक हमारा एक और नज़रिया होना चाहिए कि हम तो वही दिखा रहे हैं जो आप हैं या हम हैं, तो उसको देखकर बदलाव भी होने चाहिए। और इसमें जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक प्रतिनिधि कि हम सबका भविष्य तय करता है। लोकतंत्र में होने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन सच में आप देखिए, आप खुद से स्वयं से पूछिए कि वाकई में क्या हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी तो ये फिल्म आने के बाद रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि किस तरह की फिल्म है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में कि ज़्यादातर भोजपुरी फिल्म में आते हैं, इस फिल्म में ऐसा क्या खास विषय आपको प्रेरित किया जो उस फिल्म का हिस्सा बनने लगा? देखिए मैं ये 39वां वर्ष है भोजपुरी फिल्मों में काम करते हुए, जिसमें 16 वर्षों तक मैं नायक की भूमिका में था और अब चरित्र अभिनेता। तो चरित्र अभिनेता की भूमिका जब निभा रहा हूँ तो मैं उस पंछी की तरह बनना चाहता हूँ जो खुले आसमान में कहीं भी विचरण करे। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस एक योद्धा जो बाइलिंगुअल फिल्म है, दो भाषा में बन रही है, इसमें जो चरित्र मैं करने जा रहा हूँ राजनीतिज्ञ का, हालांकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी फिल्मों में ऐसी भूमिका नहीं की है। ये मेरे लिए आकर्षण का बात है, और साथ ही जितेंद्र के संघर्ष को देख के मुझे लगा कि मैं उसकी जितनी भी मदद कर पाऊँ, जितनी मेरी सीमित ताकत है, मैं इसलिए फिल्म कर। ये भी कहना चाहूँगा कि फिल्म का माध्यम मनोरंजन जरूर होता है, लेकिन कितना जरूरी है कि मनोरंजन के साथ एक संदेश दे, और एक ऐसा संदेश दे जिससे बदलाव आए। देखिए हर फिल्म में कुछ ना कुछ संदेश तो होता ही है। इस फिल्म में जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियां आज के दिन में हैं, उस पर एक कटाक्ष भी है, समाज को आगाह करने का एक संदेश भी है कि हम अपना भविष्य चुनने के लिए जब हमें मौका मिलता है तो हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हमारा आने वाला 5 साल बिल्कुल हमारे भविष्य को गर्त में ले जाता है। तो ये सारी संदेश, ये आँख खोलने की कोशिश रहेगी हमारी दर्शकों की, और मनोरंजन के साथ साथ गंभीर बात इस फिल्म के जरिए से कहा जाएगा। ये भी जो कहेंगे कलाकार का देखने का बहुत असुरक्षा का माहौल चल रहा है, हर खेसारी लाल जी हो गए, फिर मनोज तिवारी जी हो गए, क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है सुरक्षित एक कितना जरूरी है कि सुरक्षित माहौल में जो भी कलाकार हैं जहाँ भी जाएं, कोई भी फंक्शन हो, प्रदान करनी चाहिए। देखिए
सुरक्षा देना तो सरकार का काम है, और ज़रूर मैं किसी भी कलाकार को जो भोजपुरी सिनेमा से खासकर जुड़े हैं, अश्लीलता से दूर रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो किसी भी कलाकार का आज हमारे इस किसी भी भोजपुरी भाषा भाषी के बीच जाइए, आदरणीय भरत शर्मा जी का नाम सम्मान से इसलिए लिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो किसी से कम है गायक, लेकिन सम्मान पाना और पत्थर चलना ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो कुछ तो कृत्य ऐसा होगा जहाँ तालियां बजती हैं और सम्मान से भरत शर्मा जी को देखा जाता है। तो पर्दे पे, सिनेमा के पर्दे पे तो सीमित दर्शक जाते हैं जो टिकट कटा के, लेकिन जब आप जनसाधारण के बीच वैसे गीत गाएंगे या मंच पर आप वैसी हरकत कोई करेंगे जो समाज स्वीकारता नहीं है, तो धीरे धीरे आक्रोश पैदा होता है, और मुझे लगता है कि आक्रोश की एक वजह है। और देखिए क्या है, उसी समाज से उठ के जो इस फिल्म की निर्मात्री होंगी अर्चना जी, लखनऊ से आई हैं, तो एक महिला हैं, ये उनकी भी भाषा है, लेकिन वो कला के चश्मे से देख रही हैं एक अच्छी फिल्म बने। लेकिन जब वही महिलाएं ऑब्जेक्शन करेंगी या मंच पर जब इस तरह के अश्लील गीत गाएंगे आप जहां, तो ये उसका नतीजा है। और सम्मान पाना और गाली खाना ये हर व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर के बारे में? पिक्चर बहुत अच्छा है, और पिक्चर शूटिंग होने के बाद आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा पिक्चर है। इस तरह का विषय बनाना सर कितना जरूरी है, जाति धर्म को लेकर जो समस्याएं होती है? जरूरी है, सब करना जरूरी है, और पिक्चरों से हट के करना जरूरी है। तो धीरेन्द्र जी की क्या खास बात सबसे जो मदद है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत किए, मेहनत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं। गाना लिख रहे हैं सर, क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में? काफ़ी दमदार विषय है, मतलब सबसे खुशी की बात है कि हम फिल्म का नाम है एक योद्धा, और आज हम दो योद्धाओं के बीच में हैं, एक कुणाल जी और हमारे भोजपुरी विधान लोक संगीत के महारथी भरत शर्मा जी। इस फिल्म में सबसे बड़ी एक कुरीति के प्रति, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, जो हमको समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, विकृतियाँ हैं, उसके खिलाफ हमें जो लड़ाई लड़नी है अपने स्क्रिप्ट के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। गीतों का पाठ हम लोगों के पास आएगा क्योंकि हमें गीतकार हैं, प्यारे लाल यादव नाम है, तो जैसा सिचुएशन निकलेगा वैसा हम लोग गाना देंगे। और माँ सरस्वती जी से और अपने भगवान समान जनता से गुजारिश करेंगे और आशीर्वाद की प्रतीक्षा करेंगे कि हमारी फिल्म को सुपरहिट बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त VIB विजेंदर सिंह, हम भोजपुरी में नया नया बनी भैया। ये एक योद्धा फिल्म बा, हमें हम भरत शर्मा भैया के साथ फाइल बनी। हम एक ही बात कहें, हम तो कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानत, लेकिन एक बात कहें कि जौन श्रोता और जौन दर्शक भोजपुरी से हट गई बड़े, हॉल से चले गई बड़े, तो कुछ भोजपुरी में ऐसा फिल्म बने कि वो लोग फैन से लौट के आवे। काहे तो फिल्म चली तो हमनी के रोजी रोटी चली, करीब इंडस्ट्री चली ना, तो आज नौबत ही आ गई बा कि पूरा बिहार में जहाँ हमनी के भोजपुरी बोल जला, जेकर राजधानी बेस पटना हो, पटना में कोनो एगो हॉल नहीं है जहाँ पर भोजपुरी फिल्म लागू। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बात बा कि पटना और पटना के इर्द गिर्द कहीं भोजपुरी फिल्म आज के डेट में नहीं लागत। अभी हमारे एगो फिल्म रिलीज भई रहा दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, ओकर प्रचार में हम घुसनी देखनी, तो में एक भी पारिवारिक लोग हॉल में नहीं जाता आज के डेट में देखे। हम पूछनी कि का बात बा भाई, तो हॉल वाला या कुछ पब्लिक लोग या केहू औरत मिलल कल कि पता ना सीन आओ तो कौन सीन एक के हाली आ जाइए, या कौन गंदा गाना या गंदा डायलॉग आ जाइए कि हमें आँख शर्मिंदा करे के पड़ी।
तो जे भी बना रहल बा हमारी यही ख्वाहिश बा कि रौरा लोगिन इंटरटेनमेंट बनाई, लेकिन जै पहले भी पर्दा पर बनत रहे अभी भी पर्दा के पीछे थोड़े इंटरटेनमेंट करके बनाई अच्छा लगी। काहे तो रौरा लोगिन जे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बा हमनी के भोजपुरी के उहे माई बाप बा, उहे अगर अच्छा कंसेप्ट लेके आई अच्छा बनाई तो हमनी के तो एक्टर हैं, हमनी के तो गीला मिट्टी ऐसा जैसे रौरा ढाल देव कहें कि हई डायलॉग बोला उससे बोल देव के बाद। हमारे एक ही ख्याल बा कि कोई भी फिल्म बने जैसे हमनी के हमार वीडियो बावे फनी वीडियो आवेला रौरा लोगिन सबसे ज़्यादा औरत देखेली, सबसे ज़्यादा बड़ बुजुर्ग देखेला, हमरा के केहू मिलेला वो कहला कि भैया हमार मम्मी बहुत देखेली, हमार नानी बहुत देखेली, तो गर्व महसूस होला। तो हम चाहते नहीं कि भोजपुरी फिल्म भी ऐसा ही बने। धन्यवाद। Vishali and I did one South Indian movie and I did a few Punjabi songs also and yeah, I'm here for movie promotions and yes, thank you. So the movie name is like Ongana Podanam Sir. It's a South Indian movie, Tamil movie, and yeah, I just recently completed with my Punjabi songs that will come in January. So my all the project is line up basically in January and February. So yeah, that's it. And what are the aspects? You know, actress trained in dancing and other aspects in theater and modeling. What about you? You're doing modeling. What are the brands? I work with a lot of jewelers, like more with the jewelers, and I did designers and all. So yeah, like it's been 2 years only, and I'm obviously progressing with the time. So yeah.